हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के सेशन में एसबीआई पीओ प्री 2018 का जो 7th और 8th जुलाई को पेपर होना शेड्यूल्ड है उसको लेके डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार से कुछ एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया, सेक्शनल टाइम अलॉट हो गया। हर सब्जेक्ट को 20 मिनट मिल रहे, वो भले इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, सबको 20-20 मिनट मिलेंगे। और उसी 20 मिनट में आपको अगर अपने क्वांट का देखें तो 35 क्वेश्चन करने, 35 में जितने भी अटेम्प्ट आप उन 20 मिनट्स में कर लेंगे वही है। आप इंग्लिश का टाइम जो पहले क्वांट में यूटिलाइज कर लेते थे या रीजनिंग में कर लेते थे वो अब नहीं होगा। जो इंग्लिश का टाइम है वो इंग्लिश में यूटिलाइज करेंगे, रीजनिंग का रीजनिंग में और क्वांट का क्वांट में। तो क्वांट के 20 मिनट में क्या करें, उसका ऑप्टिमम यूज कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, बेटर एक्यूरेसी के साथ हो, ज्यादा स्कोर कैसे करें। हर क्वेश्चन का एक नंबर है सही होने, गलत होने पे 1/4 माइनस। अब इसमें सबसे पहले आप इस एग्जाम का नहीं, हर एग्जाम का आप एक स्ट्रेटेजी सिर्फ एक रखिए कि आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे एग्जाम देने के लिए तो बिल्कुल काम एंड कूल रहे, किसी टाइप का आप स्ट्रेस नहीं रखें। साल में 10-12 एग्जाम्स बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की जो सिमिलर एग्जाम्स है वो आपकी होती है, कोई पहला एग्जाम नहीं है, नहीं आखिरी एग्जाम है, एग्जाम फिर आ जाएंगे। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, और आप बेस्ट कब देंगे, जब आप कूल एंड काम रहें। देन नेक्स्ट, आप किसी भी टाइप का टारगेट सेट करके दिमाग में नहीं जाएं कि मैं 35 में से 30 क्वेश्चन करके आऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं पेपर के पैटर्न में। कुछ जरूरी नहीं है कि आप 35, अब पता चला कि आप टारगेट ले गए थे कि 27 क्वेश्चन करूंगा, लेकिन वहां 20 क्वेश्चन भी अच्छा अटेम्प्ट। सो टारगेट सेट नहीं करें, आप जो 20 मिनट है, जो पेपर आपको मिला है उसमें बेस्ट दें, और बेस्ट तब देंगे जब कूल एंड काम रहेंगे, किसी टाइप का दिमाग में टारगेट नहीं होगा। नहीं तो ये टारगेट रखें कि इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है, भाई बेस्ट देना है, बाकी ईश्वर पे छोड़ो, ईश्वर आपका अच्छा ही करेगा। अगर आप अपना बेस्ट देके आएंगे और आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मान के चलिए आपका जरूर सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर विद स्ट्रेस आप गए तो आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और बेस्ट नहीं दे पाए तो सिलेक्शन टफ है। अब ये देखिए उसमें नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फिर, कि आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस क्या रखें। क्वेश्चन आप कितना भी टफ करोगे एक नंबर का है, कितना भी आसान करोगे एक नंबर का है, गलत करोगे वही 1/4 आसान क्वेश्चन में से होना है माइनस, और वही माइनस होगा 1/4 मुश्किल क्वेश्चन में। तो आप सीक्वेंस टॉपिक्स की क्या रखें। तो अब अपने जो एग्जाम हो चुका है, एक दिन 4 शिफ्टें हो चुकी हैं, उनमें क्या हुआ है, किस तरह के क्वेश्चंस आपने को आपको देखने को मिले हैं नई नई टाइप के, तो उसमें आप देखें जो 4 शिफ्ट थी उसमें से अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के सिर्फ एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए, और अगर आपने दोनों को मिला ले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, तो 3 शिफ्टों में आप 2 शिफ्ट में आपके 5-5 नंबर के आए, 5 क्वेश्चन 5 नंबर, एक शिफ्ट में 8 नंबर के आए, और एक शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया। जिस शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं आया उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए। आप ये मान सकते हैं कि उन्होंने ये मान के चला कि जो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के 5 नंबर के क्वेश्चन में दे रहा हूं उसको कंपनसेट नहीं दे रहा हूं, तो कंपनसेट कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जो 1 जुलाई का जो एग्जाम हुआ है अगर उसको अपने देखें तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन प्लस क्वाड्रेटिक इन सब में मिला के आप एज ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इनमें से किसी एक में ही आना है, भी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक, ये 5 मानो, अगर 5 से लगे अगर 7-8 आ जाते हैं तो वो आपका एज है आपके लिए, वो आपका लक है, 5 मान के चलो इनमें से, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हैं। इन क्वेश्चंस में अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो आपको पेन खोलने की जरूरत नहीं थी, नहीं क्वाड्रेटिक में थी और नहीं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में थी। एक भी क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट भी नहीं था, सब इजी थे। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक में से जो भी 5 से लेकर 8 क्वेश्चन मिले सबसे पहले उनको आप करें, ताकि ये क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन है तो मुश्किल से 2-2.5 मिनट में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे,
और आपको ये लगेगा कि मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए 2-2.5 मिनट में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। देन गो फॉर नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज का अपने देखें तो इसमें दोनों ही तरह की आई है, रोंग नंबर भी आई है, 2 शिफ्ट में रोंग नंबर आई है और 2 में मिसिंग आई है। लेवल मिसिंग का तो बहुत ही आसान था, मिसिंग का बहुत आसान था, रोंग नंबर सीरीज जैसा कि आपको पता है रोंग नंबर मिसिंग से थोड़ा वैसे भी लेवल ऊपर होता है, हालांकि करने लायक थी दोनों ही, रोंग नंबर भी मिसिंग तो करने ही लायक थी, मिसिंग में तो कुछ था ही नहीं, बट रोंग नंबर भी बहुत हाई लेवल की नहीं थी, मॉडरेट लेवल के, आप इसलिए कह सकते हो कि नंबर सीरीज में अगर आपने देखेंगे तो रोंग नंबर सीरीज है वो अपने आप में मॉडरेट हो जाती है, कि थोड़ा सा वो टाइम आपसे ले लेती है, तो इसको आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट थे, तो इसको सेकेंड पे रखें, पहले अपने किए, और इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छोड़ दें आगे बढ़े। तो सबसे पहले अपनी सीक्वेंस क्या रही, सबसे पहले अपने किया फर्स्ट लेवल पे, इसको किया फर्स्ट, देन अपने गए नंबर सीरीज पे और इसको किया सेकंड सीक्वेंस। अब आपके 10-12 क्वेश्चन हो सकता है, 10 आए हो तो 10 हो गए, या 12-13 आए हो तो 12-13 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, बहुत टाइम भी आपका नहीं। देन गो फॉर डीआई। अब डीआई इसमें 2 भी आई है और 3 भी आई है, सिंगल डीआई भी आई है, डबल डीआई भी आई है, कैसलेट तक आए, तो इसमें डीआई में जो कैसलेट का पोर्शन है उसको तो लास्ट में रखें, क्योंकि कैसलेट, हालांकि कैसलेट जैसे कैसलेट आई पार्टनरशिप है उसका मैंने वीडियो भी डाला है, बिल्कुल सिंपल है, एवरेज बच्चा 5 मिनट में 5 क्वेश्चन जरूर कर लेगा उसका, लेकिन उसको थोड़ा सा पढ़ने में टाइम जरूर लगता है, अगर आपके पास टाइम बहुत कम बचा है तो आप उसको अवॉइड करें, उसको लास्ट के लिए रखें। हाँ, डीआई सिंगल है उसको देन थर्ड पे आप उसको रखें, कि डीआई जो सिंगल है वो एक जो शिफ्ट थी उसमें तो डीआई सिंगल के 10 क्वेश्चन आए, 5 सब में आए, 5-5 तो सभी में आए, लेकिन एक में 10 आए डीआई सिंगल के, तो फिर अपने को जाना है डीआई सिंगल पे, इसके 5 भी आ सकते हैं, 5 से 10 आए हैं, 10 तो एक में ही आए हैं, 5 की संभावना ज्यादा है, डबल डीआई के 5 क्वेश्चन आए हैं, और आप इसके लिए एक ऐसा था जिसमें नहीं आए, तो आप 0 से 5 भी इसको मान सकते हैं, लेकिन 5 आप उम्मीद करें कि 5 सिंगल डीआई से मिलेंगे आपको, एक साइड सिंगल का होगा एक डबल का होगा, तो सबसे पहले सिंगल करें फिर डबल में जाएं, और डबल में भी आप उन क्वेश्चंस को पहले करें जिसमें एक का ही यूज हो रहा है, जैसे बाई द वे आपको एक पाई चार्ट दे दिया और एक टेबल दे दी, अब पाई चार्ट और टेबल में आप क्या करें कि कुछ क्वेश्चंस आपको कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें टेबल का यूज ही नहीं है, सीधा पाई चार्ट चाहिए, जैसे इसका परसेंटेज कोई भाग फिर कैसे नहीं, रेशियो वगैरह उनका डायरेक्ट पूछा है, आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, अगर 1-2 क्वेश्चन कोई डायरेक्ट पाई चार्ट से मिल जाए सबसे पहले उनको कर ले। फिर डीआई सिंगल में जैसे जो क्वेश्चन आराम से आपसे हो गए उसके बाद आप डीआई डबल में जाए, डीआई डबल के वही क्वेश्चन करें जो आराम से, और अगर डीआई डबल आपको लंबी चौड़ी लग रही है, कहीं 4-5 इन्फॉर्मेशन अगर उन्होंने दे दी और 4-5 ही दूसरे में दे दी, तो फिर एक बार इसको आप छोड़ दें, फिर आप उसको एक बार के लिए इसको आप छोड़ें, इस पे नहीं जाएं, और मिसलेनियस क्वेश्चन पे जाएं। इस बार मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी आए हैं वो मॉडरेट भी नहीं आए, इजी लेवल, बहुत इजी लेवल, ज्यादातर क्वेश्चन में पेन खोलने की जरूरत नहीं थी, और मिसलेनियस के अगर आप क्वेश्चन का इसमें देखें तो 5 से लेके 10 क्वेश्चन आए हैं मिसलेनियस, 5 से लेके 10, किसी में 5 कम से कम जरूर आए हैं, 7 भी आए हैं, 5 भी आए हैं, 10 भी आए हैं, लेकिन सब के सब इजी थे, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो इसमें टफ था या लेंथी थी, तो ये अच्छे थे। कंपेरिजन और डाटा सफिशियंसी, कंपेरिजन और डाटा सफिशियंसी, इसके 5 क्वेश्चन आए हैं दोनों से मिला के, 2 शिफ्ट में कंपेरिजन 2 क्वांटिटीज का आया, पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, और एक में डाटा सफिशियंसी आए 2 शिफ्ट, तो 5 नंबर के ही 2 शिफ्ट में 5-5 शिफ्ट में आपके 5-5 कंपेरिजन आए, और जिनमें कंपेरिजन आए उनमें डाटा सफिशियंसी नहीं आया, डाटा सफिशियंसी आए उनमें कंपेरिजन नहीं आया, एक कंपेरिजन और डाटा सफिशियंसी को उन्होंने एक जैसा भाव दिया, ये माना कि अगर ये दे दिया तो ये मत दो, 5 क्वेश्चन थे, और कंपेरिजन में अगर क्वांटिटी कंपेरिजन में आपको एक क्वांटिटी का वैल्यू दी हुई है
तो ये क्वेश्चन काफी छोटा हो जाता है, फिर ये डुएबल है पेन, अदरवाइज इसको बाद में ही करें। और लास्ट है डीआई मिसिंग या कैसलेट, अगर मिसिंग भी आ सकती है, कैसलेट है, मिसिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, तो मिसिंग और कैसलेट को लास्ट में रखें, पहले नहीं करें, पहले ऊपर से जो भी इजी क्वेश्चंस थे उसको करते आए, लास्ट में अगर टाइम बचे तो उनको अटेम्प्ट करें। लेकिन इस पेपर का जो लेवल जो आया है 1 जुलाई को, इस पे अगर आप 22-23 क्वेश्चन कर लेते हैं तो गुड अटेम्प्ट है, अच्छा अटेम्प्ट है, 22-23 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में से मिला के जो 5-6 क्वेश्चन जिसके भी जैसे भी 5 आए या 8 आए, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल ये मानो बोनस टाइप थे, कुछ भी आपको नहीं करना था। नंबर सीरीज में मिसिंग जिसके भी आए, मिसिंग नंबर सीरीज बिल्कुल आसान था, कुछ भी करने लायक नहीं था, रॉन्ग नंबर में एक आध क्वेश्चन था। डी आई सिंगल है वो ऑब्वियस होती है, सिंपल है, उसमें आपसे क्या निकलवाएंगे डी आई सिंगल में, आपसे या तो कोई रेशियो पूछ लेंगे या उसमें डिफरेंस पूछ लेंगे या एवरेज पूछ लेंगे या परसेंटेज पूछ लेंगे, जो आपको आती है बेसिक चीजें हैं। और डी आई डबल को आप थोड़ा लेट लें, मिसलेनियस क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अगर आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपके नहीं वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हों, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आए तो इतने सिंपल आए, और भलेही आपके टाइम एंड डिस्टेंस के कोई क्वेश्चन हो, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हो, सब क्वेश्चंस का लेवल ऐसा था कि आप हर कोई भी क्वेश्चन 40 सेकंड में तो कर ही डाले। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो या हमारा चैनल अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट रेगुलर करते हैं। जिन बच्चों का 7th और 8th जुलाई को एग्जाम शेड्यूल्ड है उनको हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं, ईश्वर उनको कामयाबी दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।